बर्सर उपमंडल में शाम ढलते ही धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध पड़ने के कारण लोगों को आवाजाही में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालात ये हैं कि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे ज्यादा परेशानी बूढ़े बच्चों को पेश आ रही है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है घने कोहरे के कारण, जहाँ फसलों को भी नुकसान पहुँच रहा है, वहीं ठंड के कारण पशु पक्षियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों की माने तो घने कोहरे के कारण गोभी, मटर, पालक इत्यादि फसलों को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। बर्सर उपमंडल में हालात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते। तापमान काफी लुढ़क गया है, हालांकि दोपहर तक धूप आ जाती है, लेकिन शाम ढलते ही दोबारा से धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग शाम ढलते ही आग सेकने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं स्थानीय निवासी पुष्पा देवी का कहना है कि ठंड बहुत बढ़ गई है, धुंध के कारण कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है, जिस कारण साग सब्जियों को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। हाँ, बारिश होने के कारण ठंड जो है बहुत बढ़ गई है, जिस कारण से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। शाम के वक्त ही धुंध पड़ना शुरू हो जा रही है और सुबह के 11 बजे तक धुंध पड़ती रहती है, जिस कारण से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिससे जो फसल हमारी जो फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि गोभी, मटर, पालक इत्यादि फसलों को बहुत नुकसान पहुंचना शुरू हो गया।